हम पूछते हैं कौन है वहाँ। हम पूछते हैं कौन है वहाँ। मृणाल, 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 मृणाल क्या हो, उठो मृणाल, मृणाल आंखें खोलो मृणाल। कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। युद्ध? अब कौन सा युद्धान पड़ा? आपकी अक्का तो गई है ना जंग पर। मालवा से युद्ध। मान्यखेत के सबसे बड़े दुश्मन से युद्ध। कल हम जिस युद्ध पे प्रस्थान कर रहे हैं उसका निर्णय हमारा है। ये युद्ध हमारा है, इसका निर्णय हमारा है और उसका नेतृत्व भी हमारा है। राज, हम तो सिर्फ आपको समर्थ और सर्वश्रेष्ठ सम्राट के रूप में देखना चाहते हैं। आका का भी यही सपना है। क्योंकि इस युद्ध का निर्णय हमारा है, इसका समस्त दायित्व भी हमारा ही है, तो हम आपके पास और नहीं रुक पाएंगे। आपको देखना था सो देख लिया। हमारे होने वाली संतान का ख्याल रखिएगा। है एक चेहरा, मेरी आंखों का नूर, मेरे सपनों का दम, मेरी हकीकत का अंश है एक चेहरा। जिसे मैंने चुना, जिसे मैंने बुना, अपने ख्वाबों में करने को प्यार है एक चेहरा। है एक चेहरा जिसमें है वफाएं, जिसमें है दुआएं मेरे लिए, है एक चेहरा। आपको सुबह सुबह हमें सुबह सुबह मदिरा पान करके नहीं आना चाहिए था, यही ना दासी? क्या करो महारानी, महारानी हूं ना, माने खेत की मान्यताओं का निर्वाहन करना पड़ता है, भले ही इच्छा हो या ना। हम आपकी बात समझ गए। आज आप हमारी बात जल्दी समझ गए तिलकराज। सत्याश्रय आपकी माँ होश में नहीं है, इन्हें ध्यान से अपने कक्ष में ले जाइए। सेनापति जी, प्रवेश की अनुमति है? आप हमारे शिविर में? सुप्रभात। अरे क्या हुआ, आप स्वस्थ नहीं दिख रही? ये लीजिए, हवा आया था, ठंडे बाहर बहुत। लीजिए। क्या हुआ, आप कोई कष्ट है? कल रात हम यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ कैसे पहुंचे तात्पर्य? यही तो सो रही थी आप ही का शिविर है ना? नहीं, वो कुछ नहीं। लगता है कोई भयावह सपना देख लिया आपने रात को। आप कावा पीजिए, बेहतर लगेगा। वो कुछ समय पश्चात सभी सेना प्रमुखों की बैठक है, वही सूचित करने आया था। आप पीजिए। आप एकाएक इस जिरगे की जरूरत? जहां पनाह की हुक्म है, जहां पनाह ही जाने। इस जिरगा का मकसद है सुबुक्तगीन गजनी के तख्त और ताज के वारिस का इंतखाब। मसला है तख्त और ताज के वारिस का, गजनी खानदान के अगले हुक्मरान का। जहां पना हुक्मरान की ये ऐलान तो आप पहले ही कर चुके हैं। इस्माइल गजनी अगले हुक्मरान हैं। यह आपका फैसला था जहां पना। ऐसे फैसले का क्या फायदा है? आपके दिल और जमीर का नासूर बन जाए। उस रोज हमने फैसला किया था, पर दुआओं के वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे इस फैसले ने हमारे कबीले के एक बहुत बड़े और अहम कानून को तोड़ा है। और कानून कहता है कि अगर आपके बच्चे दो हैं तो सल्तनत आधी आधी में बांट दी जाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सल्तनत को दो हिस्सों में बांट दूं। आधा हिस्सा इस्माइल का और आधा हिस्सा महमूद का। और ये हमारा फरमान नहीं, दरियाफ्त है आपसे। खुलकर बोलिए, क्या आपको इस फैसले से कोई शिकायत तो नहीं? जहां पना, अगर ये सालों साल पुराना दस्तूर है तो इसकी खिलाफत करके हम अपनी रूह को नापाक नहीं होने देंगे। आपका फैसला सराखों पर जहां पना। मेरा मशवरा है कि इस्माइल और महमूद भी इस बारे में अपने ख्यालात पेश करें। मैं आप सभी को अपनी मंशा बता देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस सोने की चिड़िया को अपने कब्जे में करने के बाद मैं जितनी भी दौलत हासिल करूंगा या जिन रियासतों को फतेह करूंगा, उनमें से काबुल से ऊपर का हिस्सा इस्माइल का होगा और काबुल से नीचे का हिस्सा महमूद का। मैं चाहता हूं कि इस्माइल और महमूद ठंडे दिमाग से इस बारे में गौर करें और अपना फैसला 2 दिन बाद होने वाले जिरगे में रखें। इस भयानक हिमपात में समूची सेना को आगे लेकर बढ़ना उचित नहीं होगा, पर विलंब करना भी उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सभी राज्यों के विशिष्ट योद्धाओं का एक दल बनाया जाएगा, जो हमारे साथ काबुल जाकर शत्रु की स्थिति का जायजा लेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो उनका सामना भी करेंगे। हिमपात थमने के पश्चात बाकी की सेना गुरु आदित्य के नेतृत्व में जल्द से जल्द काबुल पहुंचने का प्रयास करेगी। गज केसरी, आपका निर्णय उचित है और साहस सराहनीय है। आपके दल में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के लिए ये मान सम्मान की बात है। हम आपके लिए विजय की कामना करते हैं। धन्यवाद गुरुदेव, आपके इस विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न? कुछ क्षणों बाद प्रस्थान करेंगे। हमारा रास्ता शेरनी नहीं काटती तो तूने कैसे काट लिया? विक्रमजीत के खिलाफ जाने वाले का हश्र खास होता है। जब तक मृणाल बुआ वापस नहीं आ जाती हमें इस घटना को गुप्त ही रखना होगा। विलास, क्या बात है? आप हमें बहुत चिंतित लग रही हैं। आपके चेहरे से आपकी उदासी झलक रही है। माँ है हम आपकी, अधिक समय तक आप हमसे कुछ छिपा नहीं सकती। बताइए। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, पर कुछ तो है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। कहीं सत्याश्रय ने आपके साथ? देखिए विलास, अब आपके साथ किया गया कोई भी दुर्व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे। बताइए क्या बात है? नहीं माँ, अब हमें सत्याश्रय से भय नहीं लगता। सुनकर अच्छा लगा विलास कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया। अब आपके प्रति उनका व्यवहार बदल गया है। अब वो आपका ध्यान रखने लगे और आप उन सभी बातों को बोलने का प्रयास कर रही हैं। नहीं माँ, हमने भले ही उन्हें क्षमा कर दिया हो, लेकिन युवराज सत्याश्रय ने हमारे साथ जो किया है वो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हम जानते हैं विलास, समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को, पर तुम जानती हो कि राजकुमार सत्याश्रय ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे पिताश्री और हमने बहुत से समझौते किए हैं बेटा, तुम्हें मान्यखेत की महारानी बनते हुए देखने के लिए। माँ, हमें मान्यखेत की महारानी नहीं बनना। विलास, और रही बात हमारी नियति की, हमें विश्वास है हम जिसको सच्चे मन से चाहेंगे वो हमें मिलेगा। हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा ना माँ? क्या हो गया विलास को? आखिर इसके मन में चल क्या रहा है? हमें इसकी मनस्थिति जानने के लिए थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। चलिए मान लेते हैं आपको राजकुमार सत्याश्रय से विवाह नहीं करना है, मत करिए, पर किसी से तो विवाह करेंगे ना आप? सच माँ, आपको नहीं पता आपने हमारे मन से कितना बड़ा बोझ उठा दिया है। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ऐसी उलझुल हरकतों से पहले ये तो सोच लिया होता कि महल पर कब्जा करने के बाद हमें भी यही पानी पीना पड़ेगा। जनाब की चाह तो हुक्मरानी की है, समझ इतनी भी नहीं कि ये सारे गुर दुश्मन का हौसला तोड़ने के लिए। वक्त ऊंट की तरह होता है, किस करवट बैठे ये कोई नहीं जानता। किस्मत जिसकी महबूबा होती है वक्त भी उसी का होता है। महबूबा, अपनी किस्मत पर इतना गुरूर मत कर इस्माइल, किस्मत बड़ी कमजर्फ होती। आज तेरी महबूबा तो कल मेरी बांधी होगी। मैं अपनी सल्तनत दो हिस्सों में बांट दूं। आधा हिस्सा इस्माइल का और आधा हिस्सा महमूद का। मैं चाहता हूं कि उस सोने की चिड़िया को अपने कब्जे में करने के बाद मैं जितनी भी दौलत हासिल करूंगा या जिन रियासतों को फतेह करूंगा, उनमें से काबुल से ऊपर का हिस्सा इस्माइल का होगा और काबुल से नीचे का हिस्सा महमूद का। अब ना रहेगा महमूद, ना होगा बंटवारा। हुजूर, वैसे तो सारी सल्तनत आपके कदमों की मुरीद है, लेकिन फिलहाल आधा भी खराब नहीं। बात तो आपकी जायज है, लेकिन सोने की चिड़िया मिलने तक हमें अपने कदम मंसूबे पर लगाम डालना चाहिए। इस्माइल, आप तलबराज मालवा अब अति दूर नहीं, आक्रमण अभी करना है या लक्ष्य कितने करीब होकर प्रतीक्षा करना तो मूर्खता है विक्रमजीत। जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम इतनी दूर आए हैं, उसको हासिल करने में देरी कैसी? हम पहुंचते ही मालवा पर आक्रमण करेंगे। हम चाहते हैं कि अगला उगता सूरज मालवा पे चालुक्य वंश का ध्वज लहराता देखे। बगावत की सजा क्या है, इससे वाकिफ है ना तुम? बगावत की अगर सजा है तो उसकी वजह भी है। मुझे बागियों की फरियाद सुनने की आदत नहीं महमूद। तेरी अगली गुस्ताखी तेरा सर कलम करवा सकते हैं। अपने हक के लिए अगर आवाज बुलंद करना बगावत है तो मुझे कबूल है। और वैसे भी बगावत में मिली मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं बेहतर है। लेकिन इस्माइल को अपना शहंशाह मानूं, यह मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। महमूद, तेरे इस जुनून को रोकने में दो पल भी नहीं लगेंगे। तेरे इस जुनून का कद मेरी ख्वाहिशों से बहुत छोटा है। मेरा ख्वाब है पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाना। ना समझ, ये वक्त आपसी रंजिश का नहीं है। हमारा बंटवारा, हमारी कमजोरी ये हिंदुस्तान की ताकत बन सकती है। हमारा सामना ये कोई मामूली शाही सेना से नहीं है। हमारा सामना हिंदुस्तान की अजीम गज केसरी सेना से है। फतेह के बाद जो भी फैसला लेना होगा ना, ले लेंगे। कल करें या आज, फैसला तो आप ही को करना है ना। मुझे तख्त देंगे या मौत? इस्माइल को तो आप सजा दे नहीं सकते, भले ही उसने मेरे कत्ल की कोशिश क्यों ना की हो, क्योंकि वो तो आपकी जायज औलाद है, अपनी बेगम की। मैं तो आपकी नाजायज औलाद हूं, एक बांदी का बेटा। ये बात आप भी जानते हैं कि शहंशाह बनने की सारी काबिलियत मुझ में, इस्माइल में नहीं। लेकिन ये बात आप मानेंगे नहीं। ठीक है, तो आज ये बात भी जान लीजिए कि अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं अपना हक जबरन छीन लूंगा। और हां, इस्माइल को दोबारा माफ भी नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। लक्ष्मी, क्या हुआ दीदी? लक्ष्मी, तुम्हें स्वप्न आते हैं? स्वप्न? मैं समझी नहीं। आज मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, रेत ही रेत, जानलेवा धूप, दूर दूर तक कहीं कोई छाव नहीं है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन। लक्ष्मी, मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा। क्यों देखा? पर मैंने देखा कि रेत का तूफान मेरी ओर आ रहा है। मैं भाग रही हूँ, मैं भागते जा रही हूँ, और वो तूफान मेरे पीछे आ रहा है। और रेत का बवंडर, सांस लेना भी कठिन होता जा रहा था। ये जो घुटन है ये मुझसे सहन नहीं हो रही। संभालिए अपने आप। लक्ष्मी, मुझे बात बताओ, मैंने क्या गलती की है? क्या किया है मैंने? मैंने तो बस अपने पति को ही चाहा है ना। मैंने क्या किया? आपने कुछ गलत नहीं किया दीदी, कुछ भी गलत नहीं किया। आपके स्थान पर कोई भी स्त्री होती तो यही करती जो आपने किया अपने पति को पाने के लिए। मैं जानती हूँ इस समय सारे लोग उस कोशा के साथ हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए दीदी, आपको बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। कैसे धैर्य रखे? कभी कभी तो मुझे अजीब ख्याल आते। इस राष्ट्रकूट की बेटी को लगता है कि ऐसा लगता है कि आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। दीदी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? परिस्थितियों से हार कर मृत्यु को गले लगाना कायरता कहलाती है, और हम राष्ट्रकूटों की बेटियां कायर नहीं हैं। जानती है ना? संभालिए दीदी, ये रेत का बवंडर है, थम जाएगा। संभालिए। इतनी बड़ी सेना से हम अकेले टक्कर नहीं ले पाएंगे। हमें अपनी बाकी सेना के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सत्य कहा आपने, ऐसे युद्ध करना मूर्खता होगी। अभी आवश्यकता है दुश्मन के शिविर में सेंध लगाकर उनकी दुर्बलता का पता करने की। उसके पश्चात बल से नहीं, बुद्धि से युद्ध विजय की रणनीति बनाएंगे। और संभव नहीं हुआ तो सेना के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। किसी को कोई संकोच? तो फिर विलंब नहीं करते हैं, आदेश दें। इस्माइल, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, सोने की चिड़िया, अकूल दौलत और खुशियों का खजाना, जिसकी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक बार ये हमारी हुई तो हमारे पास भी कयामत तक खुशहाली होगी। जी अब्बा हुजूर। अल्लाह के फजल से सुबुक्तगीन से खुश नसीब इस दुनिया में कोई बादशाह नहीं। फिर भी हमें ये सोने की चिड़िया क्यों चाहिए? क्यों हम उसके लिए फकीरों की तरह दर बदर भटक रहे हैं? यह हमारी दीवानगी या हमारा जुनून नहीं है, फिर क्यों? सोचो सोचो सोचो। मैं हम बताते हैं। इस दुनिया में हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसके जाने के बाद उसकी औलाद आराम से रहे, खुशहाल रहे। हमारी भी यही ख्वाहिश है। पूरे जमाने में सुबुक्तगीन का नाम खौफ है, लेकिन सुबुक्तगीन एक बाप भी है। बस हमारी भी यही ख्वाहिश, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारे आने वाली नस्लें कयामत तक खुशहाल रहें। बस अब्बा हुजूर, हम वो हर शय कोशिश करेंगे कि आपकी हर तमन्ना पूरी हो। अरे खाक पूरी होगी हमारी तमन्ना। अगर तुम दोनों भाइयों में आपसी रंजिश रही, एक दूसरे का हलक काटने में आमादा हो गए, तो कैसे पूरी होगी हमारी तमन्ना? इस्माइल, वो जो आ रहा है ना, वो कोई मामूली योद्धा नहीं है, गज केसरी है। बहुत ताकतवर, बहुत शातिर। वो तुम्हारी कमजोरी को अपना हथियार बना के तुम्हें मात देगा। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? तो क्या करें, कैसे करें आपकी फतेह आपके नाम? मैं जो बोलूंगा वो करोगे? जी अब्बा हुजूर। तो फिर अपने भाई को अपने गले लगाओ, सुलह कर लो उसके साथ। ये कैसे मुमकिन है? आपने सबके सामने हमारा नाम लिया है, हमारा नाम ऐलान किया है अगले हुक्मरान के लिए। इस्माइल, ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं है, हमारे कबीले का दस्तूर है ये। देखो बेटा, अगर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे ना, तो फतेह हमारी होगी। ये हिंदुस्तान हमारा होगा। और मेरा ख्वाब होगा। अगर हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो हमारी रूह भटकती रहेगी और हमें कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। अब्बा हुजूर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गजनी के सैनिक कहां मिले? काबुल महल के अंदर जाने वाले गुप्त रास्ते की खोज करते करते भटक गए थे, हमने सुला दिया। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? ठोस रणनीति बनाने के लिए दो बातें जाननी होंगी। पहली, काबुल महल में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता, और दूसरी, उनकी सैन्य शक्ति का सही आकलन। तो हमारा अगला कदम क्या होगा? हम भेष बदलकर उनके सैनिकों की तरह छावनी में प्रवेश करेंगे और महल में जाने के गुप्त रास्ते का पता लगाएंगे। साथ ही उनकी सैन्य शक्ति का सही आकलन भी करेंगे। सैनिकों की संख्या, अनुभव, कोई विशेष टुकड़ी, शस्त्रों की अनुमानित संख्या, और यदि कोई विशेष शस्त्र है तो उसकी शक्ति का सटीक आकलन। उनके संगठन का मूल मंत्र और आक्रमण की पद्धति, कोई विशेष व्यूह रचना या फिर पारंपरिक व्यूह रचनाओं में कोई परिवर्तन। मूलतः सभी छोटी या बड़ी बात, कोई भी कभी भी काम आ सकती है। पुनः मिलने की समय सीमा क्या होगी? ठीक एक पहर बाद इसी स्थान पर मिलेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। महमूद, मेरे भाई, मैं शर्मिंदा हूं अपनी हरकतों पे। मैंने हमेशा तुझसे नफरत की, लेकिन आज मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं और तुझे अपना भाई कबूल करता हूं। ये मेरी ही खता थी कि तुझे कभी अपनों का दर्जा नहीं दिया। यकायक इतनी मोहब्बत। चल रंजिश छोड़ मेरे भाई, दुश्मन पर फतेह करते हैं। बाद में चाहे तू ये सारी सल्तनत ले लेना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन अभी अगर तुम्हें शहंशाह बनाया गया तो आवाम और फौज का यकीन हट जाएगा अब्बा जान से। इस्माइल और अब्बू की हालत देख के लगता है मामला संगीन है। मुझे कबूल है, आधा तेरा, आधा मेरा। आप बेपरवाह रहे, शहंशाहों के शहंशाह की तरह जिरगा में अपना फैसला सुनाए। अब बगावत नहीं, आपके हुक्म की तामील होगी। सुभान अल्लाह। आज रात हम जश्न मनाएंगे और कल काबुल के किले पर हमारा कब्जा होगा। अगर आपकी बात सही है तो मालवा को संकट से बचाने का एक ही उपाय है, पृथ्वी को सूचित करना, क्योंकि ये राष्ट्र संधि के विरुद्ध है। सेनाध्यक्ष, मालवा पूरे भारत की रक्षा का दायित्व अपने कंधे पे उठा रहा है। मानेखेट धोखे से हम पे हमले की योजना बना रहा है। सही कह रहे हैं आप। इस समय दूत को वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इस वक्त तो वो काबुल या उसके आगे निकल गए होंगे। लेकिन हमारे पास और विकल्प ही क्या है? आप क्या सोच रहे हैं सेनाध्यक्ष? ये हमारा युद्ध है, हम इसे लड़ेंगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें लगता है कि हमें किसी और योजना पर विचार करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हम मालवा को लव दुर्ग में बदल देंगे और ये युद्ध हम युद्ध भूमि पर नहीं लड़ेंगे। हमारी सारी नीति का केंद्र होगा शत्रु को मालवा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। लेकिन इसमें अधिक खतरा है और इससे मालवा को क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है महाराज। जब तक पृथ्वी युद्ध से वापस नहीं लौटता हमें शत्रु को मालवा के बाहर ही रखना होगा। यही एकमात्र विकल्प है। सेनाध्यक्ष कलारी, आपकी रक्षण और युद्ध नीति ने हमेशा से मालवा को सुरक्षित रखा है। आपको जो उचित लगता है आप वही निर्णय लें। बड़े फक्र से हम ये ऐलान करते हैं कि मेरे दोनों बच्चों में, दोनों भाइयों, आपसी रंजिश खत्म है। गजनी सेना अब एक है। इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आज रात हम जश्न मनाएंगे और कल हमारी तलवारें दुश्मनों पे मनाएंगे। मगर कल सुबह होगा यलगार। यहां से हमें अलग अलग होना होगा और आनंदपाल के द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार काबुल जाने वाले गुप्त रास्ते को खोजना होगा और यह कार्य हम सुबुक्तगिन की सेना में शामिल होकर आसानी से कर सकते हैं। सावधान रहें। सेनापति मृणाल, ध्यान रखिएगा अपना। रुको, हेलो, कौन है ये? सुभान अल्लाह, बेपनाह हुस्न। कौन है तू? खेमे में घुसने से पहले किसी ने तुझे बताया नहीं कि सुबुक्तगीन का सब्र चंद ही लम्हों का मेहमान होता है। सामने गूर हो क्या मगरूर, माफी हुजूर। शहंशाह के सामने पेश आने का सलीका हमें नहीं आता। हम रुकमा हैं। हुजूर, हमारे वालिद यहाँ काबुल में शराब का व्यापार करते थे और आपके ये सैनिक अक्सर हमारे यहाँ से शराब लेकर जाते तो हैं, लेकिन पैसे नहीं देते। हुजूर, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। और हमें पता चला कि हम पर कितना कर्जा है। तो बस हम यहाँ पैसे लेने चले आए। बस इतनी सी बात के लिए तुम हमारे सिपाहियों को चोगा पहनकर अपने पैसे वसूल करने के लिए यहाँ तक चली आई। वल्लाह, हुस्न के साथ साथ ऊपर वाले ने तुम्हें एक मजबूत जिगर से भी नवाजा है। जाओ, ढूंढ के लाओ उन कमजोरों को। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब आप हमारी नजरों के सामने हमारे खेमे में रहेंगे, हमेशा के लिए। रम तो मिल गई है, किंतु सेनापति मृणाल फंस गई है। आपकी चिंता की गहनता इस बात का बोध करा रही है कि राजकुमारी मृणाल के प्रति आपकी भावनाएं एक सहयोगी से कहीं अधिक हैं। सेनापति हैं वह हमारी सेना की, उनकी सुरक्षा भी हमारा ही दायित्व है। पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, फिर सुरंग में प्रवेश करेंगे। बिना इजाजत, बिना पूछे आपके खेमे में घुस आए, इसमें कोई हिमाकत तो ना होगी। सलाम हुजूर। चेहरे पे शिकन क्यों? फिक्र ना करो। सुबुक्तगीन ने जबान दी है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे। और जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसे सजा भी मिलेगी, ताकि आइंदा कोई भी इस खूबसूरत चेहरे पर शिकन लाने का कुफ्र ना करे। अपने इस हुस्न को इस खेमे की दीवारों के पीछे कैद ना करो, इसे सारे जहां में रोशन करो। और हमारे जश्न में तुम अपना रक्स पेश करोगे। और हाँ, ये मत कहना सारे जहां को अपने इशारों पर नचाने वाली को नाचना नहीं आता। नहीं, कभी नहीं राजकुमारी, मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप ये मत भूलिए कि हमें सेना के सेनापति हैं और हमारा हर वो निर्णय लेने का अधिकार है जो हमारी सेना के हित में हो। आप एक बार पुनः विचार कर लें, क्या गुरु विनयादित्य को स्वीकार्य होगा? जब एक योद्धा रणभूमि में उतरता है तो ये भेद मिट जाता है कि वो एक पुरुष है या एक स्त्री। आप तो हमसे युद्ध कर चुके हैं, आपसे बेहतर इसे कौन समझ सकता है। पराक्रम और नृत्य में अंतर होता है राजकुमारी, और वैसे भी इस समय हमारा मकसद केवल आपको यहाँ से स्वतंत्र कराना है। मकसद बदल भी तो सकते हैं। इस समय आपका लक्ष्य सुरंग से होते हुए किले में प्रवेश करना ही उचित होगा। हमारा नृत्य इसमें आपकी सहायता ही करेगा। लेकिन आपके नृत्य से हमारे गुप्त मार्ग में प्रवेश करने का क्या संबंध है? नृत्य और संगीत का सम्मोहन सुरक्षा से उनका ध्यान भटका देगा और आपको सुरंग में प्रवेश करने में आसानी होगी। अब निर्णय आपका है, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं या परिस्थितियों के बद से बदतर होने का इंतजार कर सकते हैं। राजकुमारी जी, हम लोग आपको इस तरह संकट में नहीं डाल सकते। हमारी चिंता आप मत कीजिए, हम अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। अपने सेनापति का यह आत्मबल देखकर हमें भी बल मिलता है। शीघ्र भेंट होगी राजकुमारी, ध्यान रखिए अपना। विलास है, हम आपके लिए औषधि लेकर आए थे, सांप के विष की औषधि। माना तेरी मौत के खरीदार गई है, पर सब तो तेरे जख्मों के गुनहगार नहीं है। क्षमा चाहते हैं। खौफ के साए में है जिंदगी, कौन दर्द देता है कौन दवा पता ही नहीं चलता। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, हम तो बस अपनी हिफाजत। हम समझ सकते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। पर आपका यहाँ यूं चले आना राजमहल के लोगों को पसंद नहीं आएगा। जानते हैं, पर आपके बारे में सुनकर हमसे रहा नहीं गया, सोचा हम मदद कर सकते हैं। हमारी इसी दरियादिली का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। हम जिसके हमदर्द बनते हैं वही हमें दर्द देते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? हमारे लिए विष की औषधि लेकर आई है। वैसे औषधि की जरूरत तो आपको भी है। हाँ, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन तुमने हमें जो दिए है, उसकी औषधि कहाँ मिलती है? हाँ, कहाँ मिलती है? महारानी, इस समय संवाद करना ठीक नहीं है। आप आराम करिए। आराम? हाँ? आराम? मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पहले जहर देती हो, फिर रहम करती हो। हम राष्ट्रकूट की बेटी है और राष्ट्रकूट की बेटियां किसी से रहम लेती नहीं है, सिर्फ रहम करती है। तुम जैसे छोटे लोग उस रहम को भी हक समझने लगे। महारानी, आप अभी क्या कह रही हैं? आप खुद नहीं समझ रही हैं। हम नहीं समझ रहे। हम बस इतना कहने आए थे कि तुम्हारे ऊपर सांप छोड़ने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे छोटे लोग हमसे बहस करें। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है। विलास, राजघराने की प्रतिष्ठा यूं बाजार में नहीं बेचते। चलो। हमारा ये वार भी खाली गया। क्या अब हम एक कोठेवाली को मारने में भी असमर्थ हैं? सांप छोड़ने का फैसला ही गलत था। गलत फैसला, गलत परिणाम। पर तुम हत्या नहीं, एक दुर्घटना दिखाना चाहते थे, जिसके लिए यह तरीका सबसे आसान था। आसान तरीके का उपचार भी आसान होता है। ये क्यों नहीं सोचा तुम? मृत्यु चाहिए मुझे उसकी, मृत्यु। चीखने से कुछ नहीं होगा मित्र, सोचने से होगा। और अभी अभी बड़ा ही षड्यंत्रकारी विचार हमारे मन में आया है। तुम उसकी कमजोरी पता करो, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तुम उसकी कमजोरी का पता करो, हम उसी पर चूक वार करेंगे। और तुम्हारी समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। अब ये की ना तुमने एक सटीक बात। सर अपना गाल इधर लाना बिलाल। ये क्या पागलपन है? चूम ले। अपने पागलपन का इलाज कराओ। समय आ गया है काल का आह्वान कर स्वयं काल बनके प्रलय मचाने का। सेनापति मृणाल ने शत्रु के बीच सेन मार दी है और हम दोनों महल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हर क्षण बहुमूल्य है। सेनापति की सूचना के आधार पर एक ठोस रणनीति बनानी और फिर दिखाना है अपना अपना शौर्य। और उन पर धावा बोलने के लिए आवश्यक है इस बात का पता लगाना कि उन पर किस जगह से हमला किया जा सकता है। इसीलिए सतर्क रहिए, कभी भी आक्रमण करना पड़ सकता है। आप सब की जय हो। सुभान अल्लाह, ये हुस्न का जाम हमारी आंखों के नाम। हाँ, तुम आंखों से ही मजे ले। शराब के नशे में इतना भी बहकने की जरूरत नहीं कि सुबुक्तगीन के सामने किसी भी तरह की बदतमीजी करने की जुर्रत करो। अच्छा गजब होगा आलमपना। अगर इस खबर में किसी भी तरह की खलल डालना मुनासिब साबित ना हुआ तो हमारे सिपाही हमें बेहोश करके शहजादे इस्माइल को ले गए। पता करो इस्माइल का, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, हर सिपाही की तलाश लो। और दूर नहीं गए होंगे, मुझे इस्माइल चाहिए। पहुंच गए, जाओ। और कितना मार्ग शेष है? 10 गज केसरी हम पहुंच गए। शहजादे इस्माइल कहीं मिले? नहीं। जाओ उधर देखो, चलो मेरे साथ। अब्बाजान, मौसम में अचानक ये तब्दीली होना हमारे मकसद को मुल्तवी कर सकता है। मौसम के इस बदलाव का तेवर इस बात की निशानी है कि गज केसरी बहुत करीब पहुंच चुका है। वो जहां भी है ढूंढो उसे। और इस्माइल ऐसे कहीं गायब नहीं हो सकता। हमें तो इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। गज केसरी या फिर